हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमार लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। तो बेसिकली अभी 9:30 बज रहे, मुझे बहुत एम्बेरस भी लग रहा है कि पता नहीं है, लेकिन मैं यार 5-7 अलार्म काटा हूँ, 7 अलार्म। कोई नहीं, चलो बाकी तो मेरा ये हो गया। रात को मैंने रोड पे रखा था ही, और अभी हमको फिर से जाना है गैरेज में। गैरेज में जाना है क्योंकि कल जो आपको बताया था ना, मेरा जो पीछे वाला डोर का लॉक खराब हो गया था, तो डोर का लॉक भी लगाना है। और क्या था, बस गाड़ी में बस एक ही काम बचा है, वो पीछे का लॉक लगाना, बाकी गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है अभी। और एक और बात गाइस, कि अभी लाइट चली गई, इसके लिए मैं फ्लैश चालू करके बात कर लो। कल मंडे था, तो मैंने आपको बोला था मंडे को मेरा सर्जरी था, मतलब सर्जरी टाइप हॉस्पिटल में जाके वो कॉर्न निकालना था। बट अभी मतलब उन्होंने बोला कि वो सर्जरी के बाद 1 हफ्ता तक आपको बेड रेस्ट चाहिए। तो मैं बोला अच्छा, 2 दिन के बाद तो मैं निकल ही रहा हूँ कार लेके कहीं पर। मैंने सोचा कि नहीं कराता हूँ, आने के बाद करा दूंगा, तो क्या 1 हफ्ता रेस्ट भी लूंगा तो यहाँ पर ही रहूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में अभी मैं करा दूंगा, बाद में मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, बाद में वो और कुछ हो जाएगा, इसके लिए नहीं कराया। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पर, तो मैंने सोचा कि 1-2 घंटा शॉप पर भी थोड़ा टाइम बिता देते। और मैंने गैरेज वाले को भी फोन किया, गैरेज वाले को बोला लॉक आया कि नहीं भाई, तो वो बोलता है कि नहीं अभी तक आया नहीं है, जब आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, तब आप गाड़ी लेके आ जाना, तो 1 घंटे में वो बना के भी दे देगा। शॉप से तो निकल पड़ा हूँ, और वहाँ पर थोड़ा मार्बल का भी ऑर्डर था, तो वो मार्बल मार्बल काट दिया। और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि अभी तक वो लॉक वाले का फ़ोन भी नहीं आया, और मिस्टर डीआर के घर पे भी जाना है, मुझे हार्ड डिस्क से कुछ फुटेज लेना है जो कि मुझे क्लाइंट को देना है, एंड अभी जाके एक वीडियो अपलोड भी करना है, क्योंकि आज का एक वीडियो अपलोड करना है। बट मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो अपलोड करूँ, एक अभी करूँ और एक शाम को करूँ, जैसे कि मेरे पास 15-20 वीडियो है तो पहले का, तो 2-2, 3-3 वीडियो करके अपलोड करूँगा, तो बाद में कैसा रोज जो डेली व्लॉग कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैंने अपलोड पे भी रख दिया, और टाइम बता रहा है जस्ट 7 मिनट में अपलोड हो जाएगा ये। और बाकी बस कुछ नहीं, अभी खाना खाने जाऊंगा। और तो पापा बोल रहे कि वो लॉक वाला फोन नहीं किया, मैं बोला कि कॉल करेगा लॉक आ जाएगा, तो मैं बोला अगर आज फोन नहीं आया तो ठीक है, कल व्हील अलाइनमेंट करके और बाद में बाकी का जो काम बचा है वो मैं गाँव में करा लूंगा। जी जी यहाँ पे अभी मैंने बोला था ना सुबह कि मैं सोच रहा था कि 2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो मैंने 1 वीडियो तो सुबह अपलोड कर दिया, मतलब दोपहर को, काइंड ऑफ 12:30 आई थिंक इधर लिखा रहेगा ना, तो 12:30 या 1 बजे कुछ बीच में ही अपलोड किया था, और अभी मैं सो गया था। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास वीडियो थोड़ा ज़्यादा है, और ताकि मैं डेज कवर कर पाऊँ, क्योंकि ये सब वीडियोस मैंने दिसंबर में लिए थे और अभी जनवरी चालू है, तो बाद में मतलब धीरे धीरे ये सब वीडियो आते रहेंगे, बाद में आपको डेली व्लॉग्स दिखने लग जाएंगे कि मैं रोज़ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ बस। और मिस्टर डीआर को भी मैंने बोला था कि चल भाई आज मिल ले तू, मगर वो भाई साहब भी बिजी है, तो मैंने 3:30 बजे बोला था उसको मिलने के लिए, बट नहीं मिल पाया। और तो कुछ नहीं, बस अभी उठा हूँ, तो अभी मैं चाय वाय पी के अपन निकल जाएंगे। मैं गया था दुकान पर, बट पापा बोलते हैं कि मम्मी किधर है, मैं बोला मम्मी तो है ही नहीं, तो मम्मी तो नीचे बैठी है, तो डीमार्ट से कुछ सामान लेके आना था क्योंकि मम्मी कल गाँव जा रही है, तो मैंने बोला कि कल सुबह लेके आ जाऊंगा। फिर से दुकान पे गया, सिर्फ 2 मिनट बैठा और फिर से आ गया। और अभी मतलब मेरा इतना मूड खराब था ना, जब मूड खराब रहता है तब दिमाग काम नहीं करता। तो मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं मतलब ये व्हाट्सएप वेब खोला, ठीक है, व्हाट्सएप वेब खोल के अभी वो स्कैन करने का रहता है, तो अपना व्हाट्सएप का जो सेटिंग में रहता है उससे स्कैन करने का ना, हमें गूगल पे चालू करके गूगल पे स्कैन करो, गूगल पे बोलता है क्या ये, मैं बोला अरे यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, एक रिक्वायरमेंट आई थी तो वही मैं एक कोटेशन बनाया हूँ, अब बस क्लाइंट को भेजा हूँ, ये पास हो जाए तो अच्छा है, 2023 का फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, नहीं तो लेट्स सी। मैं यहाँ आया था मेरे दोस्त के घर पे बस टाइम पास करने के लिए, ये सामने अन्ना बैठा है, यहाँ पर आंटी बैठी है, यहाँ पर पैरेट बैठा है अपने। अभी टाइम हो रहा है 11:57, तो कुछ नहीं, बस लास्ट फुटेज क्या था मुझे भी याद नहीं, बट मुझे बस थोड़ा थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसके लिए। सो गाइज, अभी ये मतलब नेक्स्ट डे है और अभी दोपहर के 4 बज रहे, मतलब कि मुझे कल जाना था, 5 तारीख को जाना था गांव में गाड़ी लेकर, बट वो बिकॉज ऑफ सम रीजन आज मेरे मॉम डैड चले गए बस में बिठा के, अभी जस्ट मैं बस में छोड़ने गया था उनको। मेरा मूड खराब था बहुत कल से, इसके लिए मैंने कल कुछ ब्लॉग नहीं किया, उसके बाद से बाद में अभी मैं जब अभी जस्ट मम्मी पापा को छोड़ा हूँ और बाद में यहाँ से निकला, अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही है लाइफ में, बट स्टिल आई वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव, वही बस मोटिव है 2023 में मेरा कि मैं पॉजिटिव रहूँ हर टाइम, भले बुरी से बुरी तकलीफ आ जाए अपने लाइफ में, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पॉजिटिव रहूँ बस। और अभी तो मतलब कल तो लॉक वाला आया भी नहीं, गाड़ी का लॉक कराने का था ठीक, वो भी नहीं आया, और मतलब आज फोन किया उसने सुबह करके, भाई तुम्हारा मतलब लॉक आ चुका है, हाँ ठीक है आता हूँ बाद में, अभी मैं कल जा तो नहीं रहा हूँ गाँव, तो मैंने बोला चल ठीक है करा दूंगा बट तू बता देना मेरे को, बट मैं बोला मैं फ़ोन करके आता हूँ तुम्हारे पास, बोलता ठीक है आ जाना जब भी करने का रहेगा तब।
आज है 5th of January, जो कि मुझे आज सुबह सुबह उदयपुर निकलना था, जो कि नहीं निकल पाया बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन के 2 दिन पहले मैंने कुछ शूट नहीं किया, कुछ रीजन की वजह से मेरा मूड ऑफ था। और मुझे आज उदयपुर भी निकलना था तो मैं आज नहीं निकला। मैं 2 दिन मतलब शूट भी नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मूड इतना खराब था ना कि क्या शूट करूँ, अभी घर पे बैठा था और काम भी नहीं किया कुछ भी, मतलब ऐसे ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मुझे मतलब थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है, इसके लिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अभी बस पॉजिटिव रहना है। मतलब मेरे को तो मेन यही था कि 2023 में पॉजिटिव रहूँ, ताकि ना कि पूरे टाइम नेगेटिव में रहूँ, तो अभी मैं पॉजिटिव रह रहा हूँ थोड़ा बहुत। आज के दिन मुझे वो जो एल्बम मैंने बनाई थी वो मुझे क्लाइंट के पास देनी है। एक्चुअली क्या हुआ, जो मैंने शैलेश भाई की वेडिंग की थी उनका कल फोन आया था, तो बोलते कि मैं आ जाऊँ क्या एल्बम लेने के लिए। मैं बोला नहीं भाई, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो कल आ जाता हूँ मैं आपके घर पे खुद एल्बम लेकर। तो अभी आज मुझे सिर्फ एल्बम देनी है और शाम तक मेरे को 4-5 फोटोज एक दूसरे क्लाइंट को भी देने हैं, बस आज सिर्फ ये 2 काम है और नीचे बैठना है। मम्मी पापा तो कल ही गांव चले गए, फोटोज भी सेलेक्ट करके हो गए। मतलब फोटोज तो मैंने बहुत खींचे, 208 फोटो खींचे, उसमें से मैंने 6 फोटो सेलेक्ट किया हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कभी एक टाइम पे तो शॉट देते नहीं, और जो शॉट अच्छे आ जाते हैं वो कम से कम 15-20 फोटो में एक फोटो आता है। अभी मैंने भेज भी दिया हूँ एडिटिंग के लिए, एडिट मैं खुद कर सकता हूँ, बट अभी मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा काम है तो इसके लिए मैंने बोला कि चलो दूसरे को दे देता हूँ, तो मैंने उसको भेज दिया हूँ। अभी वो बोल रहा है कि शाम तक भेज देगा, और शाम तक भेजने के बाद मैं क्लाइंट को भेज दूँगा। और मैंने अपने दूसरे क्लाइंट को भी फ़ोन किया कि मैं एल्बम लेके अभी आ जाऊँ कि बाद में 1-2 बजे तक आ जाऊँ, तो वो बोले कि 1-2 बजे तक आ जाओ चलेगा। अभी वो शैलेश भाई तो गए ऑफिस, तो चाची मतलब उनकी मम्मी को मैं चाची बोल रहा हूँ और भाभी रही, तो उनको मैं एल्बम दिखाऊँगा और उनका रिएक्शन देखूँगा कि मतलब उनको अच्छा लगा है या नहीं। ऊपर बैठने का एक ही प्रॉब्लम है कि सामने मेट्रो का काम चालू है तो ठाठू आवाज आ रही है, और जो होल कर रहे हैं ठाक 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 करके होल कर रहे हैं, तो मतलब सर दुखने लग गया यार। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और मैं खाना वाना खा के फुल रेडी होके निकल गया हूँ अपने क्लाइंट के घर के लिए। जो क्लाइंट को एल्बम देना है उनके घर पे जा रहा हूँ, उनका घर मतलब थाने में ही, ज्यादा दूर नहीं है। दुकान का काम करने के बाद मैंने एक और वीडियो एडिट कर चुका हूँ। अरे 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 अभी क्या सिग्नल आने वाला है ना, तो भाई दुकान का काम करने के बाद मैंने एक और वीडियो एडिट कर लिया अपना ब्लॉग का। अभी वो टर्निंग के टाइम वो BST वाला ऐसा नजदीक आके इधर रुक गया ना, मतलब जैसे कि आपने को मतलब उड़ा ही देगा वो लोग, BST वाले लोग। मुंबई में BST वाले लोग से भाई साहब बहुत दूर रहने का। तो मैं वही बोल रहा था कि मैं दुकान से काम करने मतलब दुकान का काम करने के बाद एक और वीडियो मैंने एडिट कर दिया, बस रेंडर मारना बाकी है और एल्बम भी यहाँ पर पड़ी है। जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट था प्रणीता और आकाश का, वो टाइम पे भी मुझे शूट करना था वो लोग का रिएक्शन, वो लोग को भी एल्बम बहुत पसंद आया था, बट वो टाइम पे मैं इतना मतलब खुल के नहीं जी पा रहा था, मतलब खुल के नहीं बोल पाता था, तो इसके लिए अभी मैं सब जो भी हो रहा है मैं कैमरे के सामने खुल के बोल पा रहा हूँ, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। चाची अच्छा लगा? हाँ चाची भी मेरा व्लॉग देखती है। हाँ चाची कभी कभी देखती है रे, मगर अभी नया चैनल चालू किया ना, तो उसमें दूसरा KKD करके, उसमें पूरा सबका आता है, जीजू दीवी दीपिका सब मस्त निकले। अच्छा है ना, खुश हो गए ना आप? बस फोटो अच्छा है। चलो वो वॉचमैन भी नया है। चलो चाची मैं जाता हूँ। कैसा लगा अभी एल्बम? अच्छी लगी ना? मस्त लगा। बस क्लाइंट खुश अच्छा बनाए, क्लाइंट खुश हो गए तो मैं खुश हो गया। चलो अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चलो बाय। क्लाइंट खुश हो गए तो मैं खुश। तो गाइस आपने जैसा कि देखा चाची इतनी खुश हुई है ना, सब फोटोज देख के बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आए, बहुत अच्छे क्लियर फोटोज खींचे, और स्माइल मतलब कैंडिड तो एकदम कैंडिड वैंडिड सब अच्छे, तो क्या बोलूं, बस क्लाइंट खुश हो जाए मेरा बस यही मोटिव है, क्योंकि दूसरों के ऊपर स्माइल लाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, ये क्लाइंट तो खुश हो गए, पहले वाले भी क्लाइंट खुश हो गए, सेकंड वाले भी क्लाइंट खुश हो गए, थर्ड वाले भी क्लाइंट खुश हो गए, अभी फोर्थ वाली क्लाइंट को भी थोड़े खुश कर। वहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पर एक ऑर्डर आ गया था, तो मैं वहाँ पर ही काम कर रहा था, तो इसके लिए मैं व्लॉग नहीं किया ज़्यादा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मतलब जब मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, अभी के लिए मतलब नहीं बता सकता, तो क्योंकि पता नहीं, रीज़न मेरे को भी नहीं पता, बस अभी दुकान बंद करता हूँ
और गाड़ी पार्क करता हूँ, घर पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, बाद में फिर देखते अपने में थोड़ी एनर्जी बचेगी तो भाई फिर से वीडियो एडिट करने बैठ जाएंगे, नहीं तो खाना खा के